फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं ना कि हम शो में इतने ट्विस्ट देंगे कि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे दूसरे चैनल को देखें या ना देखें। भाई, इसीलिए तो ट्विस्ट दिया जाता है ताकि जो है फैंस को अपनी तरफ ही खींचे रखे, वो दूसरी तरफ जाए ही ना। पहले इतने ट्विस्ट नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने लगे हैं और फैंस को ज़्यादा ट्विस्ट हजम भी नहीं होते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको, सबसे पहले भाग्य लक्ष्मी कितनी टीआरपी दे सकता है दिस वीक और कौन से शो की बजाएगा बैंड। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई शो जो है आजकल इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वजह है टीआरपी, क्योंकि भाई अगर एकता के शो देखा जाए तो वो खींचती बहुत है और आज की डेट में खींचना नहीं है, आगे बढ़ाना है, ट्विस्ट देना है। जहाँ लगातार सब कोई जनरेशन लीव दे रहे हैं, ये मैडम उसी स्टोरी को इतना खींच रही हैं तो टीआरपी तो डाउन होनी ही होनी है। तो एट दिस टाइम जो है भाग्य लक्ष्मी की टीआरपी आपकी 1.6 बता रहा है। अच्छा है इतनी टीआरपी आ जाती है, लेकिन उसी के बीच में आपकी लक्ष्मी की जान खतरे में होने वाली है। लक्ष्मी जान इन डेंजर। भाई, लक्ष्मी की जान डेंजर में रहती है, कभी ऋषि की जान डेंजर में रहती है, फिर हीरो बचाता है, फिर हीरोइन बचाती है। इसके अलावा कुछ रह गया इस शो में? अगर रह गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर बताना। बाकी बात करते हैं आपके पांडे स्टोर में। भैया, इसमें मैरिज ट्रैक चलने वाला है, बस मैरिज ट्रैक ज़्यादा ना खींचे, क्योंकि भाई जो है मैरिज ट्रैक ज़्यादा खींचने से कहीं ना कहीं जो है टीआरपी डाउन हो जाती है। लेकिन उसी के बीच में भाई, जब बड़े बड़े सितारों के घरों में कोई सिंगर आता है शादियों में, तो ये तो सीरियल की दुनिया है, इसमें तो सिंगर सबसे पहले नज़र आएंगे। तो इसमें एंट्री होने जा रही है आपकी फाल्गुनी पातक की, जिनके गाने सुनकर जो है दिल झूम उठता है। मैंने पायल है झनकाई, फिर क्यों आया ना हर जाई, समझ ही गए होंगे ना। तो वो मैडम आने वाली हैं, चार चांद लगाने वाली हैं शो में। मैं भी आपको जो है काफ़ी एंटरटेनमेंट करने वाले हैं ये दोनों शो। इनमें से आपको क्या लगता है इनकी टीआरपी कितनी होगी? पांडे स्टोर की टीआरपी एट दिस टाइम 1.9 बता रहा है, आपको क्या लगता है? बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।